और ये लाइन में भक्त इंतज़ार कर रहे हैं अपना बारी का दर्शन के लिए, गर्भगृह में जाने के लिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है सर। पहली बार बर्फबारी देखी है? यस सर, पहली बार केदारनाथ। कहाँ से आए आप? हम लोग रायपुर से आए सर। अच्छा, कैसा लग रहा है भैया बर्फबारी को? बाबा ने आपको बर्फबारी के दर्शन भी दे दिए और बाबा अब आपको गर्भगृह के दर्शन भी देंगे। हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सभी भक्त बहुत खुश हैं। थोड़ा ठंड जरूर है पर पहली बार बर्फ का जो आनंद होता है जिंदगी में वो सभी श्रद्धालु ले रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Thank you.
करते हैं फिर भाई। देखो अम्ब्रेला पे दिख रही है बर्फ, अम्ब्रेला का बर्फ दिख रही है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। आप सभी शिव भक्तों का श्री केदारनाथ धाम में स्वागत है, अभिनंदन है। और इस सीजन की पहली बर्फबारी श्री केदारनाथ धाम में आज पड़ चुकी है और सभी भक्त बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्त पहली बार इस केदारनाथ धाम में आए और बाबा ने बर्फ की चादर ओढ़ दी है। बहुत खुश हैं सभी भक्त, और जो भी भक्त बाबा केदारनाथ धाम आए अपने साथ गर्म कपड़े लेके आए, रेनकोट वगैरह अपनी व्यवस्थाओं के साथ श्री केदारनाथ धाम में आए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदारनाथ। शरदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर पूर्व के भांति, जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि जैसे ही नवरात्रि शरदीय नवरात्रि आती है, ऐसे ही केदारनाथ में ओलावृष्टि के साथ साथ बर्फबारी होती है। और आज जैसे ही शरदीय नवरात्रि आरंभ हुई, जैसे घटित स्थापना हुई, ऐसे ही केदारनाथ में ओलावृष्टि के साथ साथ भयंकर बर्फबारी हो गई है। और सभी देश और विदेश वासियों को शरदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ की आप पे और बाबा केदार की विशेष कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार।